डॉक्टर्स की दो दिन की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में पहुंचे देश के कई राज्यों के डॉक्टर्स। तीन किताबों का हुआ इजरा। सिंधी कैंप स्थित होटल आर्को पैलेस में यूनानी डॉक्टर्स के दो दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जहां पर देश भर के करीब 150 से 200 डॉक्टर्स ने शिरकत की। डॉक्टर्स ने अपने अपने ख्यालों का इजहार किया और यूनानी पैथी के फ़ायदे और उसे आगे बढ़ाने में किस तरीके से सहयोग किया जाए और आम जन तक इस पैथी को कैसे पहुँचाई जाए, इस पर चर्चा हुई। तीन किताबों का विमोचन भी हुआ। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार वसीम अकरम कुरैशी, समाज सेवी व राजस्थान मुस्लिम महासभा के प्रदेश अध्यक्ष साहेब आलम सुल्तान को सम्मानित किया गया। JLN एजुकेशन ग्रुप के डायरेक्टर डॉक्टर आजम बेग को इब्ने सीना अवार्ड से नवाजा गया। आयोजक डॉक्टर शौकत ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में देश भर से करीब 200 डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया और खुद के द्वारा की जा रही प्रैक्टिस के बारे में वहां मौजूद लोगों को बताया। उन्होंने यूनानी पैथी को आगे बढ़ाने और प्रदेश में दो यूनानी कॉलेज खोलने की मांग भी रखी। लंबे समय से ये मांग चल रही है। एक कॉलेज टोंक में खोल दिया गया, मगर वहाँ बिल्डिंग की कमी की वजह से दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। पिछली गहलोत सरकार ने इन दोनों कॉलेजों का ऐलान किया था, मगर अभी तक एक ही कॉलेज खुला, दूसरा ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। सरकार के रहते दोनों कॉलेजों को शिलान्यास किया जाना चाहिए, जिससे यूनानी पैथी में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकें। इसमें एक दिन के कॉन्फ्रेंस है, दूसरे दिन जो है वर्कशॉप है, कार्यशाला है। इस प्रोग्राम में हिंदुस्तान के तमाम प्रदेश से, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका और तेलंगाना, तकरीबन हिंदुस्तान के ज़्यादातर प्रदेश से यहाँ तमाम मेहमान और एक्सपर्ट्स और जो डॉक्टर्स हैं वो आए हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और ये इसमें जो हमारा एक्चुअली जो मेन जो टॉपिक है इस प्रोग्राम करने का, कॉन्फ्रेंस करने का, कि अभी जो कोविड जैसे बीमारी से हम लोग सामना हुआ है और उसके काफ़ी इलाज में काफ़ी परेशानियां हुई हैं, तो यूनानी चिकित्सा पद्धति में, यूनानी सिस्टम में किस तरीके से हम लोग इस बीमारी पर कंट्रोल कर सकते हैं या इस पर हम लोग उस पर काबिज हो सकते हैं, इसके इलाज में सक्सेस हो सकते हैं। इस पर अभी तक जो काम हुआ है उसके ऊपर लोगों ने अपने पेपर पढ़ेंगे और उस पर अपने साइंटिफिक जो शोध है उसको रखेंगे और आगे किस तरीके से हम इस तरह के जो हादसात होते हैं, यूनानी जो इलाज है वो किस तरीके से अपना रोल अदा करें ताकि आम जनता को इसका फ़ायदा पहुँच सके। भविष्य में ये होगा कि चूँकि इस सिस्टम में पहले से इस तरह के हालात के लिए जो दुनिया में वबाई शक्ल की बीमारियाँ हैं उसके इलाज के लिए काफ़ी ज़खीरा मौजूद है हमारे फेसबुक के अंदर, और यही नतीजा है कि हम उन्हीं की रोशनी में जो अभी बीमारी फैली थी, जो मर्ज फैला वबा फैली थी, उसमें काफ़ी हद तक हमारा जो रिस्पांस था इलाज का वो बहुत अच्छा रहा है और उसको हर जगह लोगों ने अप्रिशिएट किया है। यहाँ तक कि जो एलोपैथी डॉक्टर्स हैं वो भी इसी तरह रुझान उन्होंने इसका इलाज दिया है, और जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनो जो मॉड्यूलेटर ड्रग्स हैं वो बहुत कारगर हैं इस तरह की बीमारी में, तो वो उसी पे हम लोग उसकी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। लगातार राजस्थान में यूनिवर्सिटी की डिमांड जी जी जी, लेकिन अभी तक कहाँ कमी रही? एक्चुअली जो ये पहले से डिमांड चली आ रही है और सरकार ने, पिछली सरकार अशोक गहलोत जी की सरकार ने इसका डिक्लेरेशन किया था कि दो राज्य के यूनानी कॉलेज खोला जाएगा, लेकिन पता नहीं क्या हालात थे तो वो जो कॉलेज एक खुलना था सरकारी, खोलने का उन्होंने डिसीजन लिया था जोधपुर में, वो टोंक में खुला, और टोंक में खुलने के बाद वो सरकारी ना रह के यूनिवर्सिटी को दे दिया गया, जबकि यूनिवर्सिटी खुद अपना एक कॉलेज खोलने का उसका इरादा था है, क्योंकि आयुष डिपार्टमेंट में, आयुष यूनिवर्सिटी के अंदर सभी कॉलेज खुलेंगे। अब अभी भी यही मांग चल रही है लोगों की, सरकार की रहे कि राजकीय कॉलेज खोला जाए ताकि आम लोग, स्टूडेंट्स को, गरीबों को जो एक मामूली फीस के अंदर बच्चे पढ़ सकते हैं वो एक सिर्फ राजकीय कॉलेज में ही मुमकिन है, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो 1.5 लाख 2 लाख फीस है वो बच्चे नहीं दे सकते हैं, इसलिए वहाँ पर टैलेंटेड लड़के नहीं आते, पैसे वाले लड़के ही पढ़ सकते हैं, तो इसलिए वो मांग चल रही है ताकि उसके अंदर अच्छी क्रीम आए और आम जनता को क्रीम के ज़रिए से उसका
फायदा पहुंचाया जाए। पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? अभी हमारी मांग थी कि भाई जो हमारे जो हॉस्पिटल्स खाली हैं उसके अंदर उनकी वैकेंसी आसामियाँ उसको भरी जाए, और जगह जगह इसके और जो यहाँ रिसर्च सेंटर है राजस्थान में भारत सरकार का वो है नहीं है, जबकि भारत सरकार की पूरी टीम होगी, सिर्फ जगह राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। अगर वो शोध केंद्र खुल जाता है तो बहुत सी बीमारियों पर जो यूनानी पे शोध कार्य चल रहा है उससे यहाँ की जनता को भी लाभ पहुँचेगा, ये हमारी मांग है। लगातार ऐसी मांग उठती रही है कि सरकार कहीं ना कहीं यूनानी पद्धति के जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ भेदभाव कर रही है वैकेंसी निकालने में। अब ये इस तरह की मांग कहाँ तक बजा है हम ये नहीं कह सकते, लेकिन अभी जो अनाउंसमेंट हुआ था एक ही पैथी के डॉक्टर्स को अपॉइंटमेंट करने के लिए उनकी वैकेंसीज के लिए, तो हमारी जानकारी में भी ओएसडी साहब आए थे गीतल गोपाल जी, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि चिकित्सा मंत्री ने ये कहा कि नहीं इसको रोका जाए, इसके अंदर सारे पैथियाँ आयुर्वेद यूनानी होम्योपैथी को सबको बराबर से इसके अंदर शरीक किया जाए। जो वैकेंसी एक पैथी की डिक्लेयर हुई तो सरकार ने रोक मिनिस्टर ने रोक कर सबके लिए काउंट कर दिया है, तो उसकी पुष्टि आने वाली है। मेरा नाम है डॉक्टर शौकत अली। अभी ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है मैं इसका चीफ ऑर्गेनाइजर हूँ, और दौसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरी परमानेंट पोस्टिंग है, लेकिन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ यूनानी टोंक जिसका वापस जिक्र